आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स ही चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। तो ये रॉक है और क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक यानी एक 100 मीटर आपका ये हाई टावर है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक, तो मान लीजिए ये रॉक है तो इसके टॉप में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री और जो ये जो रॉक का बॉटम है इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री और इसकी 100 मीटर ऊंचाई है, हाइट है, तो आपको हाइट ऑफ द रॉक निकालना है। तो देखिए या ये 100 है या ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो हम इसको h मान लेते हैं। तो फाइनल जब हम रॉक की हाइट निकालेंगे तो h को 100 के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला, इसको x मान लेते हैं, तो नीचे वाला भी x हो जाएगा। तो tan 30, सबसे पहले हम लेंगे tan 30, तो tan 30 क्या बनेगा, ये h परपेंडिकुलर बाय x, तो tan 30 होता 1/√3, यानी आपको x मिल गया h√3। वैसे भी आपको x एलिमिनेट करना है, x की अभी कोई महत्ता नहीं है क्योंकि हमें तो h चाहिए। अगले वाले पे आते हैं, इस वाले पे, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें लगाएंगे tan 45 डिग्री, ये क्या बनेगा, इसमें पूरा लेना पड़ेगा h प्लस 100, h प्लस 100 बाय ये है x, तो tan 45 कितना होता है 1, तो x हो जाएगा h प्लस 100। ये पहली इक्वेशन बन चुकी थी, यहां से h रूट थ्री रख दीजिए x की जगह, तो यहां h रूट थ्री रख दीजिए, h को यहां ले जाइए, तो h रूट थ्री माइनस h इक्वल टू 100, h कॉमन ले लीजिए, रूट थ्री माइनस 1 आएगा इक्वल टू 100, तो आपका h आ जाएगा 100 बाय रूट थ्री माइनस 1। अब रूट हम नीचे अमूमन नहीं रखते हैं, इसलिए ऊपर नीचे आप रूट थ्री प्लस 1, रूट थ्री प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 100 रूट थ्री प्लस 1 और नीचे आएगा रूट थ्री होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो रूट थ्री होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 आएगा, तो आपका ये 50 बनेगा। तो 50 रूट थ्री प्लस 1 इसका उत्तर है, 50 रूट थ्री प्लस 1, तो एच आया, अभी उत्तर नहीं आया। इसको जोड़ेंगे 100 के साथ, क्यों, क्योंकि ये भी तो जोड़ना है, एच आया ना अभी, आप इसको 100 के साथ जोड़ेंगे, तो 50 रूट थ्री प्लस 50 ये हो गया प्लस 100, यानी कि आपका 150 हुआ, 150 प्लस 50 रूट थ्री, 50 कॉमन ले लीजिए, 50 आएगा तो 100 प्लस रूट थ्री, ये है इसका उत्तर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, फाइंड द टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स स्टैंडिंग ऑन द हाईवे आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स एंड हाउ फार इज ईच कार फ्रॉम द टावर। तो एक हाईवे है इस तरीके से और ये जाता है एक टावर के फुट पे जो 50 मीटर की हाइट पे है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहां से अगर देख रहे हैं तो दो कार है यहाँ पे, एक कार यहाँ पर है एक कार यहाँ पर है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है यानी कि ये दो एंगल, ये हमेशा एंगल ज्यादा होगा ये कम होगा, कि जितना दूरी होगी उतना एंगल कम हो जाएगा, तो ये जो बड़ा एंगल है ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल लाइन से ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये जो एंगल है ये वाला ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको क्या क्या निकालना है, आपको एक तो इनके बीच में दूरी निकालनी है और ये कितने कितने दूरी पे है इससे, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, 60 डिग्री वाला है ट्रायंगल, तो tan 60 क्या बनेगा, tan 60 बनेगा 50 बटे y, 50 बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 60 होता है रूट थ्री 50 बाय वाई, तो वाई आपका हो जाएगा 50 बाय रूट थ्री, इसको बाद में यूज करेंगे, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, दूसरी इक्वेशन आपकी इस पूरे बड़े ट्रायंगल से बनेगी, ये वाले tan 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, अगेन 50 आ जाएगा और बेस है आपका x प्लस वाई, तो अब क्या करेंगे हम, tan 30 होता 1/√3 50। अब आप ये कर सकते हैं कि y की जगह आप 50 बाय रूट थ्री यहां रिप्लेस कर सकते हैं, y की जगह 50 बाय रूट थ्री रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर x प्लस y की जगह हम 50 बाय रूट थ्री रिप्लेस कर रहे हैं, और इसको ऊपर ले जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां पर आ जाएगा x प्लस 50 बाय रूट थ्री और यहां पर आ जाएगा 50 रूट थ्री, x को निकालना है
तो इधर ले जाइए इसको, 50√3 माइनस 50/√3। यहाँ 1 रखिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 50 √3 √3 हो जाएगा, 50 × 3 हो जाएगा 150, माइनस ये तो 50 बनेगा √3, ऊपर क्या आ गया 100/√3। इसको ये ऐसे भी रहने दे सकते हैं और चाहे तो √3 √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका x ये आ गया, y ये आ गया, आपको जो दूरी है कार्स के बीच में वो तो x मिल गई, वो ये हो गई, और आपको इसकी दूरी निकालनी है y। जैसे ये पूरी दूरी कितनी है, x प्लस y, इसकी दूरी यहां से यहां तक है x प्लस y, और इसकी दूरी है y, तो y भी आपके पास आ चुका है, तो y दूरी हो गई 50/√3, मतलब जो पहली कार है उसकी दूरी हुई इस टावर से 50/√3। अब जो दूसरी कार है उसकी दूरी निकालनी है तो x प्लस y करेंगे, तो x प्लस y कर देते हैं, x है आपका 100/√3, y है आपका 50/√3, बेस सेम है तो सीधा ऊपर जोड़ दीजिए, 100 + 50 कर दीजिए, 150 आ जाएगा √3। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और ये तीनों जो आंसर आए हैं इसको मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी भी ऐसे लिख सकते हैं आप, √3/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आएगा 3, तो 50/√3 √3, ये आपका आ जाएगा 50, तो 50√3 आ जाएगा। ऐसे ये भी कर लेंगे, √3/√3 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको √3/√3 ऊपर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरीके से होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए बी 60 meters, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट सी डी आर ऑब्जर्व टू बी 30° एंड 45° रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो देखिए, अब ऊपर से देख रहे हैं हम, वो ऊपर है बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग हो गई, ये इनकी दूरी हो गई, और ये आपका लैम्प पोस्ट हो गया। तो इसमें बताया गया है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो ऊपर है ये वाला और नीचे ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऐसे बनता है, ये वाला एंगल जो है क्या है, इसको मैं जोड़ देता हूँ, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमेशा कम होगा, ये आपका 30° है, तो ये 30 हो गया, ये भी एंगल 30° हो गया। अब यहां ये पूरा एंगल है 45°, ये एंगल है तो ये भी 45° हो गया, राइट। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 meters हाई, तो यहां से यहां तक जो हाइट है आपकी 60 meters है, आप इसको एच मान लीजिए, लैम्प ऑफ लैम्प की हाइट मान लीजिए एच। तो अभी इन्होंने कहा कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ए बी, तो इसको ए बी मान लेते हैं, और ये है आपका सी डी, तो इसको ओ मान लीजिए। तो ट्राइंगल लेंगे पहले, आपका बड़ा वाला ट्राइंगल, उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि 45°, तो इसको एक्स मान लीजिए यहां से आता है, और इसको एक्स मान लीजिए यहां से, ये सारी जो तीनों चीजें पूछी है ना वो आपकी एक्स और एच है बेसिकली, और ये डिफरेंस ऑफ हाइट पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे 60 से इस एच को हटा देंगे, वो डिफरेंस ऑफ हाइट आएगा, तीनों चीजें हमारे पास यहां पर मिल जाएंगी। 10:45 करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं डी ए बी, तो ट्राइंगल डी ए बी ले लीजिए यहां पर 10:45, ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 60/x, 10:45 होता 1, तो 60 हो गया आपका x, x आ गया आपका, यानी कि दूरी जो दोनों के बीच में वो तो आ गई है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60, अब x आ गया। अब आप आते हैं इस ट्राइंगल पे, ये छोटा ट्राइंगल ले रहे ए सी ओ, ट्राइंगल ए सी ओ पे क्या होगा, 10 10 30 लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है ये, अब ये कितना होगा, ये कुल मिला के 60 है, ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा 60 - h, ये 60 - h है, और ये क्या है आपका x, तो 10 30 कितना होता है 1/√3, 60 - h, अच्छा x 60 तो निकाल चुके, तो इसको 60 रख दीजिए, तो ये बनेगा 60, इसको यहां ले जाइए और इसको यहां ले जाइए, ये बनेगा 60√3 - √3h, तो √3h को यहां ले आइए, 60 को यहां ले आइए, तो √3h बनेगा 60√3 - 60, √3h बनेगा, यहां से 60 कॉमन ले लीजिए, √3 - 1, √3 को नीचे ले जाइए, √3, यही इसका उत्तर है, h आपका ये आ गया। अब h तो आ गया आपका, है ना, अब आपको x भी आ गया, अब आपको निकालना है ये हाल, ये h भी आ गया, मतलब इनके डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना है 60 - h, ये h निकाल लिया, हाइट भी निकल गई आपकी लैम्प पोस्ट की, डिस्टेंस भी निकल गया इनके बीच में, x भी निकल गया, अब ये निकालना है यहां से आता, तो आप 60 - h कर दीजिए, 60 - h करेंगे, 60 - ये एच जो निकला वो करेंगे, ये 60 कॉमन ले लीजिए, तो 1 - √3 - 1/√3, उसको यहां कर देता हूं, ये आपका आएगा √3 - √3 + 1/√3,
60 तो है ही, खैर बाहर रूट थ्री, रूट थ्री कैंसिल, 1/√3, 60/√3 आ जाएगा। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक 60 माइनस एच है, मैं अगर इसको वाई कह दूँ तो वाई आपका 60/√3 आएगा, ऐसे निकलेगा। टू बोट्स अप्रोचिंग अ लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से ये लाइट हाउस है, बीच में यहां से ये बोट आ रही है, यहां से ये बोट आ रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम टू बोट्स, इस बोट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का है 30 डिग्री, इस बोट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स इज 100 मीटर, इस बोट और इस बोट के बीच में दूरी है 100 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो यहां से यहां तक आपकी डिस्टेंस है 100। तो यहाँ ये जो है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इसको सीधा मिला लें तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। यहाँ से यहाँ तक आप एक्स मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, एक एक्स है पूरा 100 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये 1045 लेते हैं, 1045 से क्या मिलेगा, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, 1045 से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस एच बाय एक्स। अब 1045 तो 1 होता है तो एच और एक्स बराबर हो गया, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अगले पे आते हैं, इस वाले ट्रायंगल पे आएंगे, अब 1030 निकालते हैं, 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस एच बाय 100 माइनस एक्स। लेकिन अभी अभी आपने देखा एक्स और एच तो बराबर है, तो इस एक्स की जगह एच रखना पड़ेगा आपको। 1030 होता 1/√3 एच बाय 100 माइनस एक्स की जगह मैं रख रहा हूँ एच, इसको इधर ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, 100 माइनस एच इक्वल टू रूट थ्री एच, इस एच को यहाँ ले जाइए, 100 इक्वल टू एच रूट थ्री एच प्लस रूट थ्री एच। तो आप इसको एच कॉमन ले लीजिए, 100 इक्वल टू एच 1/√3, तो एच कितना आएगा 100/1/√3, ऊपर नीचे 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा 100 1 माइनस √3। अभी नीचे क्या बनेगा, 1a+b a-b 1² - √3² 1 माइनस 3 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको 1 माइनस 3 को -2 कर दीजिए। अब ये माइनस में आप नहीं उतर ला सकते क्योंकि कभी भी हाइट वाइट तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, पहले तो इसको 50 कर दीजिए। अब ये 1 माइनस √3 है, इसको √3 - 1 कर दीजिए, बस 50 इस माइनस को हटाने के लिए, इस 1 माइनस √3 को √3 - 1 कर दीजिए, बस यही उत्तर हो जाएगा। The angle of elevation of the top of a hill at the foot of a tower is 60 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, what is the height of the hill? तो इसमें कुछ इस तरीके से बन रहा है कि जो angle of elevation of the top, जब भी आप कहते हैं angle of elevation, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर है जो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ मतलब top of a hill, hill हमेशा बड़ी होनी चाहिए, hill of the top of the hill at the foot of the tower, तो आपका ये tower है, ये hill है, तो अगर यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल, ये हिल का टॉप है और फुट ऑफ टावर है, ये टावर है, तो इसमें बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है यहाँ, ये हिल है, ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी आप यहां पर आ जाइए और यू देखिए, मतलब अब आप फुट पे आ गए किसके, हिल के, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। If the tower is 50 meter high, ये 50 meter high है, तो आपको height इसकी निकालनी, right? तो पहले तो triangle ये वाला ले लेते हैं, इसमें ये 30 degree है, 1030, 1030 कितना हो जाएगा, इसको x मान लीजिए, 50/x, तो 1030 होता है आपका 1/√3, तो आपको x मिलेगा 50√3, ये आपका पहली equation आ गई। दूसरी equation में आएंगे, इस 60 पे आते हैं, 1060 degree, ट्रायंगल ले रहे हैं हम ये वाला, ये हो जाएगा h बाय एक्स, यानी h बाय एक्स। अब आप देखें x तो मिल चुका हमको 50√3, तो यहाँ h बाय 50√3 रख दीजिए। अब 1060 कितना होता है, रूट थ्री होता है, तो रूट थ्री इक्वल टू h बाय 50√3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50√3 × √3 इक्वल टू h, √3 होता है 3, 50 है यहाँ पर, h आ जाएगा आपका 150, ये इसका उत्तर है। A fire in a building B is reported on a telephone to two fire station P and Q 2 kilometers apart from each other on a straight road. P observed that the fire is at an angle of 60 degree on the road and Q observed that it is an angle of 45 degree from the road. Which station sends its steam and how much will this steam have to travel? तो ये जो है एक building है, यहाँ पर एक fire station है, यहाँ पर एक fire station है, दोनों की दूरी जो है वो करीबन 20 kilometers है, आपस में 20 किलोमीटर है।
तो अब हमको ये बताना है कि कौन एक देखता है 60 डिग्री पे, इसके टॉप पे जो आग लगी हुई टॉप पे 60 डिग्री पे देखता है, एक यहां से देखता है 45 डिग्री पे। आपको बताना है कौन सी टीम जाएगी, मतलब बेसिकली डिस्टेंस बताना है किसका कम होगा वही जाएगी ना। तो यहां से दिख रहा है कि 60 डिग्री यही टीम जानी चाहिए, लेकिन हमको ये बाकी सब चीजें निकालनी है। विच स्टेशन सेंड्स ए टीम एंड हाउ मच, हाउ विल दिस टीम हैव टू ट्रेवल, मतलब हाउ मच डिस्टेंस निकालना है। तो हमको यहां से पता तो चल गया कि जो जिसका एंगल ज्यादा होगा इसका मतलब वो पास में होगी, तो ये वाली टीम जाएगी। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो 20 किलोमीटर हमको दिया हुआ है और ये एंगल भी दिया हुआ है, तो इसको हम एच मान लेते हैं हाइट को, ये आपको ये एक्स मान लेते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। आप इसको भी एक्स मान सकते थे, ये 20 माइनस एक्स हो जाता। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला, या ये वाला लीजिए 45 डिग्री, 10 45, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ये वाला। तो 10 45 क्या मिलेगा, एच बाय 20 माइनस एक्स, 10 45 होता 1, तो एच हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब आते हैं इस ट्राइंगल पे, यहाँ 10 60 लेंगे, 10 60 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, एच बाय एक्स। 10 60 कितना होता है, 1/√3, ये होगा एच बाय एक्स। अब एच की जगह आप 20 माइनस एक्स रख दीजिए, क्योंकि हाइट की जरूरत तो है नहीं आपको, आपको तो ये डिस्टेंस की जरूरत है, तो एच को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, 20 माइनस एक्स रख दीजिए आप। तो इस एक्स की जगह आप रखेंगे 20 माइनस एक्स, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए। लेकिन ये तो एच है, तो यहां पर हमको ओके, ये इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहां पर अगर हम एच और एक्स ले आते हैं तो एक्स की जगह हम रखेंगे, ये देखिए यहां पर, यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ एच और एक्स आ रहा है, तो हम अगर हम एक्स को लिखते हैं एच प्लस 20 तो भी काम बन जाएगा, लेकिन इससे एच मिलेगा। तो क्या हम एच की जगह 20 माइनस एक्स रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 60 होगा 1/√3। अब एच की जगह हम 20 माइनस एक्स ऊपर रखेंगे, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स जाएगा ऊपर, ये यहाँ जाएगा, एक्स इक्वल टू 20√3 - √3x, है ना, ये एक्स नीचे वाला इक्वल टू 20√3 - 20x। अब आप रूट थ्री को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री एक्स इक्वल टू 20√3। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, 1+√3 आ गया, और यहाँ 20√3 तो है ही, 1+√3 को यहाँ ले जाइए, तो एक्स हो जाएगा 20√3 - 1+√3, ये आ जाएगा आपका ऊपर नीचे रूट थ्री, 1 - √3 और 1 - √3 से मल्टीप्लाई करिए, या आप कहें तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे करिए, √3 - 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर आएगा 20√3, √3 - 1, नीचे होगा √3 होल स्क्वायर - 1 स्क्वायर, तो √3 होल स्क्वायर होता है 3, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, तो 3 - 1 2, ये हो जाएगा 10√3। अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 10√3 को अंदर कर दीजिए बस, √3 √3 होता है 3 और -√3, 3 - √3, 10√3 - √3 चाहे तो आप 1.732 यहाँ पर डाल दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, और 12.64। तो एक तो आपका एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, और उसके बाद दूसरा वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 10 3 - √3 है, तो आप 20 - 10 3 - √3 करेंगे, मतलब 20 - x, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया 20 - 10 * 3 30, और ये +√3, तो √3 या आपको -10, √3 - 10 एक आएगा, तो आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख सकते हैं, √3 की वैल्यू निकाल के, और आपको वैल्यू मिल जाएगी, बस 20 से माइनस करना है इसको, एक्स निकाल दिया आपने, एक्स ये आ गया ना ए बी, बेसिकली 10 3 - √3 जो मैंने आपको बताया, अगला निकालना है आपको, तो उसको आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, 20 से माइनस करना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में आपको बता रहा है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। अ मैन ऑन दी डेक ऑफ अ शिप इज 10 मीटर अबव द वॉटर लेवल, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। तो एक साहब यहाँ पर खड़े हुए डेक पे, वो क्लिफ को देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप है, ही ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिप्रेशन ये देखते हैं, मतलब तो ये वाला एंगल देखते हैं, ये आपका 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, मतलब ये एक्स निकालना है यहां से आता, और हाइट ऑफ द क्लिफ, तो ये 10 मीटर पे खड़े हुए, तो ये भी 10 हो जाएगा, हम इसको एच मान लेते हैं। तो फाइनल हम जो आंसर निकालेंगे उसमें 10 जोड़ देंगे, एच निकालेंगे और 10 जोड़ देंगे। तो पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ये भी एक्स होगा, पहले ये ट्राइंगल को लेंगे, 10 45 कितना होगा, एच बाय एक्स, तो एच और एक्स तो बराबर आ गया, 10 45 1 होता है, ये पहली इक्वेशन आ गई।
अगले पे आते हैं 10:30 पे, ये क्या हो जाएगा 10 बाय एक्स, 10:30 होता 1 बाय रूट थ्री, 10 बाय एक्स, एक्स की जगह हम एच रख देते हैं। या आप इससे देखिए, यहां पर आपको डायरेक्ट एक्स मिल ही रहा है ना, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, एक्स डायरेक्ट आपको यहां पर 10 रूट थ्री मिल रहा है, और एच और एक्स बराबर है तो एच भी आपका 10 रूट थ्री हो गया। ठीक, 10 रूट थ्री, 10 रूट थ्री आ गया, एच भी हो गया, एक्स भी हो गया, तो ये चीजें निकल आई। अब बस आपको निकालना है ये इसकी हाइट, एक्स तो निकल गया, दूरी निकल गई, हाइट इसकी हाइट निकालने के लिए एच प्लस 10 करेंगे, तो एच कितना है 10 रूट थ्री, इसके साथ 10 जोड़ दीजिए, 10 रूट थ्री प्लस 1, चाहे तो इसमें 1.732 प्लस 1 करके 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी सही है, इस तरीके से आएगा 10 रूट थ्री प्लस 1। There are two temples on each bank of a river opposite to each other. तो दो मंदिर हैं, एक इस बैंक पे, एक इस बैंक पे। One temple is 50 meter high from एक 50 meter high है, इतना 50 meter high है। From the top of this temple, the angle of depression of the top and foot of the other temple are 30 degree and 60 degree. इसका मतलब ये थोड़ा सा और ऊंचा बना देते हैं, ये 50 meter है। तो एक टेम्पल यहां पर है, इसका ऊपर और इसके नीचे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इसको अगर आगे बढ़ा दूं तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। अगर आप देखें कि इस पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन देखिए, तो आप देखिए एंगल कौन सा हो रहा है, ऊपर वाला एंगल हमेशा छोटा होता है, इसलिए हमने इसको इस वाले एंगल को हमने 30 डिग्री कहा, इसको 60 डिग्री कहा। इनके बीच में दूरी है x, ये दूरी ही, ये क्योंकि ये किनारों पर है तो ये दूरी ही विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी, मतलब नदी की जो आप कहें कि लेंथ है, और लेंथ मतलब विड्थ, विड्थ विड्थ है, और हाइट ऑफ द अदर टेम्पल, तो इसकी हम h h मान लेते हैं। ये पूरा 50 है, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस h, ये हो जाएगा 50 माइनस h, इसको h मान रहे हैं क्योंकि h भी, ये भी h है, ये x हो गया। तो सबसे पहले ये वाला एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला 10:30 क्या मिलेगा इससे, 50 माइनस एच बाय एक्स, तो 10:30 होता है 1 बाय रूट थ्री, तो आपको मिला एक्स हो जाएगा रूट थ्री 50 माइनस एच। अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, देखते हैं इसका हम यहां उपयोग कैसे करेंगे। अब हम इस ट्राइंगल पे आते हैं, 10:60 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो पूरा 50 है ना, 50 डायरेक्ट लिख दीजिए, बाय एक्स, तो 10:60 होता है रूट थ्री, ये होता 50 बाय एक्स, एक्स हो जाएगा 50 बाय रूट थ्री। अब देखिए एक्स 50 बाय रूट थ्री यहाँ रख दीजिए, इस वाले पहली वाली इक्वेशन में, दूसरा जो है पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए, इसको 50 बाय रूट थ्री लिखिए, और ये आपका था ही 50 रूट थ्री माइनस रूट थ्री एच, राइट, तो इसको यहाँ, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, रूट थ्री एच हो जाएगा 50 रूट थ्री माइनस 50 बाय रूट थ्री, तो ये क्या बनेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करते हैं 50 को बाहर लेके सॉल्व करते हैं, रूट थ्री माइनस 1 बाय रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री होता है 3, होगा माइनस 1 बाय रूट थ्री, 50 है ही, यह आपका बनेगा 50 इंटू 2 मतलब 100 बाय रूट थ्री, यहाँ रूट थ्री एच है ही, इस रूट थ्री को नीचे ले जाएंगे, तो एच बनेगा 100 बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री होगा 3, तो 100 बाय रूट थ्री हाइट इसका आ गया 100 बाय रूट थ्री, तो एच आ गया 100 बाय रूट थ्री, ये इसकी हाइट आ गई, हाइट निकालना था, ये भी विड्थ भी निकालना था, विड्थ आपकी इतनी आ गई और ये 100 बाय 3 आ गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर, देखिए यहां पर क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, कहीं से हम 45 डिग्री हमें मिल रहा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी इस जगह पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, जैसे ही ये और पास आया ये, क्योंकि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, हम ये मान लेते हैं कि ये हवाई जहाज इस तरफ जा रहा है, ठीक, तो आप जानते हैं कि जैसे ही हम ये दूर जा रहा होगा, तो पहले अगर हमारा 45 डिग्री एंगल है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, कम एंगल हो जाएगा, क्योंकि दूर चला गया तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 45 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, तो ये भी 3000 हो गया, ये भी 3000 हो गया,
ये मतलब यहां से आता हाइट, यहां से आता हाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, टाइम तो दिया ही हुआ है, डिस्टेंस मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, हमको बेसिकली y चाहिए। तो सबसे पहले tan 45 लेते हैं, ये वाला tan 45 क्या बनेगा, एक और तरीका का सोल्यूशन आपके सामने है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। tan 45 होगा 3000 बाय x, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं 3000 बाय x, तो कितना बनाइए, tan 45 तो होता है 1, तो x हो जाएगा 3000। अगले पे आते हैं, ये 30 डिग्री पे आते हैं, ये वाला कितना हुआ, tan 30 आपका हो गया, ये पूरा, ये तो 3000 ही रहेगा बाय, ये पूरा हो जाएगा x प्लस वाई, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं x प्लस वाई, x कितना है 3000, tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, 3000 x है 3000, तो x की जगह 3000 रखेंगे प्लस y, y तो निकालना है, तो यहां पर ले जाएंगे इसको, इसको ऊपर, इसको यहां पर, तो 3000 प्लस y इक्वल टू 3000 रूट 3, इस 3000 को यहां ले जाइए, तो y आएगा आपका 3000 और रूट 3 माइनस 1, राइट, 3000 इंटू रूट 3 माइनस 1। अब यहां पर डिस्टेंस आया है, अब स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना आपको दिया हुआ है 15 सेकेंड, इसको आप टाइम लिखेंगे 15 बाय 60, 15 सेकेंड है ना, तो इसको 15 बाय 60, इसको हमको सेकेंड में दिया है, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट, या ये कहें कि क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, तो इसको 15 ही रख दीजिए, अभी छोड़िए इसको, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में आंसर लिख देंगे, ये मीटर में दिया हुआ ना, तो ये सेकंड में हो जाएगा। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम मतलब वाई बाय टाइम, तो टाइम कितना है 15, इसको 15 से देख लीजिए क्या क्या बनता है आपका, तो 15 दुनी 30 और ये 0 0, ठीक, 200 है इंटू रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस रूट 3 की जगह 1.732 रख दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, तो 0.732 आ जाएगा, तो आपको 200 को 0.732 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 146.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एन एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबाउ द ग्राउंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आफ्टर 10 सेकंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इन किलोमीटर एन आवर। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से बन रहा है, एक एयरप्लेन है, बिल्कुल सेम चीज करेंगे, एक एयरप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई पे ये चल रहा है, आफ्टर 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड तक ये चला, और द एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो गया, मतलब ये जो एंगल है यहां से यहां तक आपको पहले 60 डिग्री मिला, फिर उसके बाद क्योंकि दूरी पे चला गया, जितनी दूरी पे जाएगा उतना एंगल आपका कम हो जाएगा, है ना, तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, अब ये यहां से यहां तक पहुंच गया 30 डिग्री हो गया, आपको स्पीड निकालनी है एयरप्लेन की, बिल्कुल सेम काम करेंगे, एक्स को एक्स मान लेंगे यहां से यहां तक और इसको हम वाई मान लेंगे, हमको चाहिए y बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, बड़ा वाला नो छोटा वाला सॉरी, छोटे वाले का एंगल ज्यादा है, तो tan 60 कितना बनेगा, परपेंडिकुलर यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को एक ही रहने देते हैं, किलोमीटर पर आवर से निकाल लेंगे, 1 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये x, tan 60 कितना होता है रूट 3, तो आपका x कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 3, ये तो आपका x आ गया। अब आते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल पे, इसमें क्या होगा tan 30, ये कितना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर तो रहेगा, साथ में x प्लस y जाए, x प्लस y आ जाएगा, तो tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3, 1 बाय x प्लस y, तो x की जगह आप रखेंगे 1 बाय रूट 3 और y, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए, तो y प्लस 1 बाय रूट 3 ये बराबर हो जाएगा रूट 3 के, राइट, अब आपको क्या करना है, इसको यहां ले जाना है, तो y हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, तो सॉल्व करिए, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 बाय रूट 3 यानी 2 बाय रूट 3, वाई आ गया आपका 2 बाय रूट 3, चाहे तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 3 होगा, ये रूट 3 हो जाएगा, तो 2√3/3 आ गया, ये वाई हो गया। अब आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस वाई है, बस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम कितना है आपको 10 सेकंड है, 10 सेकंड, तो अब ये जो 10 सेकंड है ना, या तो आप देखिए क्योंकि ये किलोमीटर है ना आवर है,
तो 10 सेकंड को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, टाइम में, राइट। तो आप 2√3 तो डिस्टेंस है, और अगर आप 10 सेकंड को एक मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, और घंटे में चेंज करेंगे, आवर में करेंगे तो 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे किससे, 10/60 × 60, इसको ऊपर ले जाइए, 2√3/3 × 10/3600, राइट। तो आपका क्या बनता है, 3600 है ये, 3600 ऊपर जाएगा, 2√3/3 × 3600/10, ये आपका जीरो से जीरो कटेगा, ये आपका हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 0 0, बस जीरो आ जाएगा, और 120 × 2 कितना होगा, 240√3 है, 240√3 आपकी स्पीड आएगी एयरप्लेन की। ध्यान रखिएगा ये 10 को 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा तब आएगा। अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक ट्री है जो लीन कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट, एट टू पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ए एंड बी एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट ऑन इट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर रिस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड इज दिस मच। तो एक ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक ट्री है और आप देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये इन्होंने कहा कि एक ट्री है स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो वो लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक ट्री है कुछ इस तरीके से, ठीक। एट टू पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ए एंड बी एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट, अब हम वेस्ट की तरफ आ जाइए, इधर पे है ना, तो वेस्ट पे आ जाइए, यहां पर एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है वेस्ट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप आर अल्फा एंड बीटा, तो इसको मान लीजिए आप अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज दिस मच, तो इसको यहां ऐसे कर दीजिए, ये आपकी एच होगी, राइट। तो इसमें क्या करना है कि आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, आपको हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे, और कुछ दिया हुआ है क्या, आपको तीन चीजें लेनी पड़ेंगी इसमें, मैं इसको ले रहा हूं ए, इसको ले रहा हूं बी, और इसको ले रहा हूं सी, ए बी सी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखिए कि हम टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, तो टेन बीटा होगा एच बाय सी प्लस बी प्लस ए, एच बाय सी प्लस बी प्लस ए, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हम निकालेंगे टेन अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा होगा आपका एच बाय बी प्लस ए, बी कर दीजिए, बी और ए है ना, बी प्लस ए, ठीक। अब यहां पर हम देखिए हमको कुछ मिलता है क्या, सबसे पहले देखिए ये टेन अल्फा है, टेन बीटा है, और आप इसको एच, एच आपको हाइट निकालनी है फ्रॉम द हाइट, तो एच तो रखना ही रखना है, एच तो आपको रखना ही रखना है, आपको इसमें अगर आप कुछ एलिमिनेट कर सकें तो कर सकें। तो आप क्या करिए, इसको लिखिए, इस वाले को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लाइए, इस वाले को बता रहा हूँ, पहले वाले को, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू एच बाय टेन बीटा, टेन बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो कॉट बीटा बनेगा, राइट। ये टेन बीटा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन हम टेन बीटा नीचे नहीं रखना चाहते, हम इसको कॉट बीटा कर देते हैं, ये वाली पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपकी यहाँ पर क्या बनेगी, देखिए इसको हम यहाँ ले जा रहे हैं, इसको नीचे ले जा रहे हैं, तो बी प्लस ए क्या हो जाएगा, एच, ये क्या बनेगा, नीचे टेन अल्फा है, हम नीचे टेन अल्फा को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कॉट अल्फा बन जाएगा, कॉट अल्फा हो गया। अब आप इसमें देखिए कि अगर हम इसको इससे माइनस करें तो हमारा सी आ जाएगा, मतलब अगर इसको इससे माइनस करें, सी प्लस बी प्लस ए को में से माइनस कर दें बी प्लस ए, तो इससे सी प्लस ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, यही हट जाएगा, तो सी बचेगा, तो हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इन दोनों को भी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने बताया आपको क्या, सी बचेगा, यहाँ पर बनेगा आपका एच कॉट बीटा माइनस एच कॉट अल्फा, तो एच कितना आ गया आपका, एच हो गया आपका, इस इक्वेशन को ऐसे रहने दीजिए अभी, एच आपका सी आ गया आपका एच कॉट बीटा माइनस एच कॉट अल्फा, चाहे तो आप इसको सी को एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा लिख सकते हैं, राइट।
अब यहां तक तो ठीक है, ये सी कैसे निकलेगा? इस सी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने टेन अल्फा निकाला, कॉट अल्फा कर दिया उसको, फिर हमने टेन बीटा निकाला, कॉट बीटा कर दिया उसको, और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने देखा कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई, राइट। और अभी देखिए कि हमने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा हम अगर चेंज करना चाहें, क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ही एक चीज और दी हुई है, वो ये दिया हुआ है कि यहां से यहां तक दूरी जो है पहले वाले की वो ए है और यहां से यहां तक बी है। अगर आपको ये जो मैंने सी कहा, ये सी कैसे निकलेगा आपका? अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक कुल मिला के जो डिस्टेंस है इस यहां से यहां तक, अगर सवाल में दिया हुआ है बी और यहां से यहां तक आपको दिया हुआ है ए, ए तो सी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, सी है बी माइनस ए, सवाल में दिया हुआ है। तो अब मैं सी को सीधा बी माइनस ए लिख रहा हूं। देखिए यहां तक मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। हमने क्या किया, एक लेमैन की तरह हमने इसको अल्फा बनाया, बीटा बनाया, इसको भी थीटा कर सकते हैं, जो भी हमसे निकल सका हमने इसको ए माना, बी माना, सी माना, निकाल दिया। लेकिन अब देखिए, फिर से मैं इस ट्रायंगल को बना देता हूं। ये यहां से यहां तक ये एक और ये ट्री है। अब आप फिर से समझिए कि हमने जो सी माना था वो क्या बनता है। यहां से यहां तक देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो आप कह रहे हैं कि ए है, और यहां से लेकर यहां तक आप कह रहे हैं बी है। तो अगर सी निकालना है तो क्या करेंगे आप? सी निकालना है तो क्या करेंगे आप? बी जो, ये जो सी आइटम है वो आपका बी यहां से, सॉरी बी पूरा है, ये बी है और यहां से यहां तक दूरी, मतलब पहले वाले की दूरी है ए, डिस्टेंस ए कहा ना, यहां से यहां तक दूरी ए और यहां से यहां तक की दूरी है बी। तो सी निकालना है तो क्या करेंगे? बी माइनस ए, ये सी की जगह हम बी माइनस ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी माइनस ए हो जाएगा एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, राइट। तो एच क्या हो जाएगा? बी माइनस ए बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। क्या ये आंसर हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ, इसे थोड़ा सा और करेंगे। ये हो गया बी माइनस ए बाय कॉट बीटा को हम लिख देते हैं 1/10 बीटा, और कॉट अल्फा को लिखेंगे हम 1/10 अल्फा। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, बी माइनस ए, ये टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा नीचे आएगा, टेन अल्फा टेन बीटा ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, टेन इसको टी अल्फा लिख देता हूँ, टी अल्फा टी बीटा, यही उत्तर हो गया आपका। टेन अल्फा टेन बीटा ऊपर गया, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा नीचे, बी माइनस, ऐसे आएगा। तो ये जो शुरुआत में मैंने बताया ना, ये केवल इसलिए क्योंकि आपको समझ में आया कि जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो तो हम एक जनरल वे में चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में देख के जो भी चीज है फटाफट चेंज कर देंगे। अदरवाइज अगर दूसरी तरीके से किया जाता ना इसको, ये मान के थोड़ी सी तकलीफ में सोल्यूशन आता कि कहाँ क्या काटे, इससे ये आसान हो गया कि हम सीधा सी लें क्योंकि हमको पता है बी ए कट रहा है, और सी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी माइनस ए से।